हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज डेसिमल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये कहा गया, आपको यहाँ पे क्वेश्चन वन का रेफरेंस लेना है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन वन करा हो सॉल्व, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन वन को ही डिस्कस करा था, उसमें क्या था, हमें ये बताना था कौन कौन से नंबर्स हमारे रिपीटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग है, यही हमें बताना था। तो जो टर्मिनेटिंग आए थे आपको उनका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है, मतलब कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करके प्रॉपर उसको दिखाना है। चलिए फिर फाइंड करते हैं। देखिए उससे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन वन की तरफ भी देख लेते हैं। ये हमारे थे सारे के सारे नंबर्स, रेशनल नंबर्स। इसमें हमें बस ये बताना था, मतलब क्वेश्चन वन के अकॉर्डिंग कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से रिपीटिंग है, हमें यही बताना था। अब हम लोग देखें इनमें से हमारे कौन कौन से टर्मिनेटिंग आए थे, जैसे फर्स्ट सेकंड टर्मिनेटिंग आए थे, थर्ड हमारा रिपीटिंग आ गया था, इस तरह से करके आए थे। तो जो टर्मिनेटिंग आए, जैसे ये फर्स्ट वाला है, तो इसको आपको डिवाइड करके इसका आंसर दिखाना है। जैसे 13 को 3125 से डिवाइड करके इसका आंसर दिखाना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि 3125 कहाँ और 13 कहाँ, डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है वो है 13/3125। थर्टीन अपॉन 3125 आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा हो या फिर मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके दिखाना है। अब अगर आप लोग लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे कि 3125 को डिवाइजर में लिखेंगे, 13 को डिविडेंड में, फिर पूरा डिवाइड करके क्वेश्चन निकालेंगे, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए इसके लिए एक ट्रिक है, आप क्या करिए, 3125 के फैक्टर करिए, 5^5 ये होगा इसके फैक्टर करने पे। आप लोग करके देख सकते हैं, आपको आता भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारे 5 के ऊपर पावर है उतना ही हम लोग 2 पे पावर लगा के मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कैसे, देखिए 13/5^5, 5 के ऊपर कितनी पावर है, 5 है, उतना ही हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, 13 as it is into 2^5, 2 × 2 × 2, इस तरह से करके आप 5 टाइम्स जाएंगे तो 32 बन जाएगा, और नीचे 5^5 × 2^5। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी फ्रैक्शन, सॉरी एक्सपोनेंट की, जो आप 7th 8th में थे, कि जब भी कोई दो नंबर के पावर सेम हो जाते हैं तो वो टू नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है और पावर ऐसी आ जाती है। 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 × 5, और पावर ऊपर जो है 5 है ना दोनों के ऊपर, तो 5 लग जाएगी। 13 का मल्टीप्लाई 32 से, ये आपको करना पड़ेगा 416। इसके लिए अभी कोई फिलहाल ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। यहाँ 2 × 5 यानी 10^5, इसे और सॉल्व करते हैं, 416/10^5 यानी 50 लगा दीजिए 1 के आगे, 1 लाख बन गया। अब कुछ नहीं है, अब इसको डिवाइड देना बहुत आसान है। देखिए क्या करिए, 1 2 3, ऊपर कितनी डिजिट है, 1 2 3, उतने ज़ीरो इसमें से हटा दीजिए, 1 2 3 बच, ये इतने ज़ीरो आपके पास हट चुके हैं नीचे से, कितने बचे, 1 2, तो आपको जो पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2, ये बचे कुछ ज़ीरो आ गए, और ये जो बचे कुछ 3 ज़ीरो थे इसकी जगह पे 416 रख दीजिए, ये बन गया आपका डेसिमल एक्स, इसका डेसिमल आंसर आ जाएगा। ओके, काफ़ी ईजी था ट्रिक। यहाँ पे एक लगी है, सॉरी यहाँ पे लगी है मल्टीप्लाई टाइम, और एक यहाँ पे। ओके चलिए एक बार सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग आया था, क्या था, 17/8, 8^2^3। अब ये 2 है, हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ लेके चलेंगे, एक सेकेंड, 17/2^3 × 2^3 है, तो जैसे पिछले बार 5 था तो हम लोगों ने 2 को जोड़ा था, इस बार 2 है तो इस बार 5 को जोड़ देंगे, 5^5 कितनी, 3, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ, 17/5^3 यानी 125, ये होता है 2 × 5, ये एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, और पावर 3 लग जाएगी। पावर 3 तभी लग पाएगी जब इन दोनों की पावर सेम होगी, अगर 4 होती तो 4 लगाते, 5 होती तो 5 लगाते, ठीक है। 17 × 125, 2 × 125, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खुद से, 2 × 5, 10^3, 2 × 125/1000, 10^3 है इसलिए 1000 कर दिया हम लोगों ने, यहाँ आप देख सकते हैं। अब डिवाइड करना है, वैसे आप लोग कर लेंगे आसानी से, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, यहाँ नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ है, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ 2.125। ओके इस तरह से,
बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तभी तक है जब तक आप ये ट्रिक लगा पा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो है 64/455, लेकिन लेकिन ये आपका रिपीटिंग डेसिमल आया था, सो हम लोग इसे नहीं लेके फोर्थ पार्ट को लेंगे। फोर्थ पार्ट है आपके पास 15/1600, हम लोग उसी पार्ट मतलब उसी उन्हीं रेशनल नंबर्स को लेंगे जो टर्मिनेटिंग आए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट आपका रिपीटिंग आया था, इसलिए थर्ड पार्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। 1600 इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, हम लोग ने वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2^6 × 5^2 ये आया था। ओके देखिए इस बार 2 की पावर यहाँ पे अलग है, 5 की पावर अलग है, तो हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 5 की पावर 2 है तो इसमें 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा 5 की पावर 6 बन जाएगा। 15/2^6 × 5^2 मल्टीप्लाइड बाई 5^4/5^4 दोनों तरफ ऊपर नीचे। 5 15 × 5^4 यानी 625, नीचे 2^6 5 की पावर 2 5 की पावर 4, देखिए दोनों का बेस सेम है, इसका भी 5 इसका भी 5, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे और बन जाएंगे 6, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 4 क्यों लगाया था, पावर में 4 इसलिए लगाया था ताकि बाद में चल के वो 6 बन जाए और 6 बनने से दोनों इक्वल हो जाए। इसको मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ, 15 × 625 9375, 2 × 5 पावर कितनी है 6 है, 10 की पावर 6 9375 10 की पावर 6 है तो 6 जीरोज लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर कितनी डिजिट है 4 डिजिट है, 1 2 3 4, यहाँ नीचे 4 डिजिट्स को अलग ले लीजिए, बचे कितने 2 जीरोज, तो 0.00 और ये जो 4 जीरोज है इनकी जगह पे 9375 पुट कर दीजिए। ओके काफ़ी आसान है। चलिए अब हम लोग फिफ्थ पार्ट को देखते हैं एक बार। फिफ्थ पार्ट खैर आपका आप लोग चेक करेंगे तो ये रिपीटिंग था, तो फिफ्थ पार्ट को हम लोग नहीं लेंगे, सिक्स्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिपीटिंग वाले मत लीजिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, टर्मिनेटिंग ही लेने हैं यहाँ पे। 23/2^3 5^2 यहाँ देखिए तो पहले से इन्होंने दे रखा है 2 और 5 की पावर्स में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर बढ़ाने के लिए एक और 5 की ज़रूरत पड़ जाएगी, इंटू 5 ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। ओके ऊपर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं 115, नीचे क्या बना 2^5 इंटू ये देखिए यहाँ पे 5, बेस दोनों का सेम, इसमें पावर 1 इसमें पावर 2 दोनों ऐड होके 3 बन जाएंगे, 2 इंटू अब ये बनेगा 2 × 5, क्योंकि पावर दोनों की सेम हो गई है तो यहाँ बेस अलग है, तो इन दोनों के बेस का मल्टीप्लाई और पावर एज इट इज़ पुरानी वाली, 2 5 × 10^3 10^3 यानी 10 1 2 3 3 जीरोज आ गए। आप लोग इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, देखिए ऊपर 3 डिजिट्स है नीचे भी 3 डिजिट्स है, तो मतलब पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो बच ही नहीं रहा है, देखिए ऊपर भी 3 डिजिट नीचे भी 3 डिजिट है ना, कोई जीरो बचा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट अपने नंबर को लिख देंगे 115 को। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे सेवन्थ पार्ट जो है उसमें वो रिपीटिंग डेसिमल था, सो इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे, सीधा एट्थ पार्ट में आएंगे। एट्थ पार्ट है आपका 6/15, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, 2/5 ये आपका बन चुका। ठीक है आप लोग इसको चाहें तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये दो कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, 2 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो कर देते हैं। क्या करेंगे, नीचे 5 है, एक 2 की ज़रूरत और है, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर बन गया 4 और नीचे बन गया 10, अब डिवाइड करेंगे 0.4, ये खैर यहाँ पर ही आ जाता 0.4, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, उस ट्रिक को अप्लाई करा ताकि पता चले कि ये ट्रिक हर जगह लग सकती है। नाइन्थ पार्ट आपका टर्मिनेटिंग था,
35/50। देखिए इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 5 से 7 टाइम्स और 5 से 10 टाइम्स। ये पहले से आप देखिए तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में, जो आपका 10 होता है क्या होता है 2 इंटू 5 ही होता है, तो ये पहले से ही है, तो इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0.7 आंसर। और टेंथ जो पार्ट है आपका वो आपका रिपीटिंग था, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लेंगे, 9 तक ही छोड़ देंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक को याद रखिएगा, जो 2 इंटू जो 2 मतलब पावर जो दोनों की सेम करनी थी 2 और 5 की, उस ट्रिक को याद रखिए, काफ़ी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।